हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया था अपना टैरिफ बैरियर्स, आज कवर करेंगे हम नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टैरिफ बैरियर क्या थे? वो ड्यूटीज और टैक्सेस जो कि इम्पोर्टेड गुड्स के रेट बढ़ा रहे थे, जिससे कि हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स प्रोटेक्ट हो रहे थे, वो थे हमारे टैरिफ बैरियर्स। अब नॉन टैरिफ बैरियर क्या होगा? All barriers which do not directly increase the price of an imported commodity are called non-tariff barriers। मतलब जो directly या indirectly हमारी imported commodity के price increase नहीं कर रहे, ऐसे barriers को हम क्या बोलेंगे? Non-tariff barriers। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कोई भी direct या indirect trade restriction जिसके अंदर टैरिफ इंक्लूड नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ऑल द बैरियर्स विच डोंट इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन इम्पोर्टेड कमोडिटी आर कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर। चलिए पढ़िए, बहुत सारे बैरियर्स हैं, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इम्पोर्ट कोटा की। इम्पोर्ट कोटा मतलब हम लिमिट लगा देते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डैट इज़ टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्री। जैसे कि कोटा की मैं बात करूँ तो दो तरह के कोटा इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, एक होता है हमारा कंट्री कोटा एंड सेकंड वन इज़ ग्लोबल कोटा। अगर मैं कंट्री कोटा की बात करूँ तो कंट्री कोटा का मतलब क्या होगा? यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स जो हमें परचेज करनी है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। पर कंट्री कोटा, जैसा कि मैंने बोला कंट्री कोटा, एक पर्टिकुलर कंट्री से हमने कितनी क्वांटिटी में गुड्स इंपोर्ट करनी है उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी, तो वो क्या हो गया? हमारा कंट्री कोटा। दूसरा होता है ग्लोबल कोटा। कंट्री कोटा में एक पर्टिकुलर कंट्री पर हमने लिमिट लगाई थी, लेकिन अगर ग्लोबल कोटा की बात करें तो ग्लोबल कोटा में जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं सबसे मिलाकर हमने कितनी गुड्स इंपोर्ट करनी है उसके ऊपर लिमिट लगाई हुई है। यहाँ पर ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर कंट्री से करनी है या फिर दूसरी से, नंबर ऑफ कंट्री जिससे भी आप इंपोर्ट कर रहे हो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, रफली एग्जांपल, कि आपने 100 TV आपने इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, अगर मैं कंट्री कोटा की बात करूँ कि जापान से आपने 100 TV मंगाने हैं तो लिमिट लग गई कि जापान से आप 100 TV ही मंगा सकते हो, बाकी TV मंगाने हैं तो आप दूसरी कंट्री से मंगाओगे। ठीक है, ग्लोबल कोटा का मतलब क्या हो गया? 100 TV मंगाने हैं वो आप चाहे जापान से मंगाओ चाहे कहीं और से, 100 TV से ज़्यादा इंडिया में आ ही नहीं सकते, वो चीज़ हो गई आपकी ग्लोबल कोटा। क्लियर हुआ? इम्पोर्ट कोटा के दो पार्ट्स थे, कंट्री कोटा और ग्लोबल कोटा। फिर हम बात करते हैं स्टेट ट्रेडिंग, सेकेंड पॉइंट है ना, स्टेट ट्रेडिंग। देखिए स्टेट ट्रेडिंग क्या होगा, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सिर्फ ऐसी गुड्स को इम्पोर्ट करने की परमिशन देती है जो अपनी कंट्री के में प्रोड्यूस नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? ऐसी गुड्स जो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो सकती सिर्फ उन्हीं को इंपोर्ट करने की परमिशन मिलेगी, और ऐसी गुड्स जो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस हो सकती हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि वो आप बाहर से नहीं मंगवा सकते। क्लियर? नेक्स्ट सब्सिडी। सब्सिडी के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट जो होती है ना अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देगी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और मार्केट करने के लिए। सब्सिडी देने से क्या होगा, लोकल प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा इंपोर्टेड प्रोडक्ट से, और कस्टमर का तो एक ही क्राइटेरिया होता है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल कम से कम प्राइस पर मिले तो वो उस प्रोडक्ट की साइड जाएंगे। तो यहाँ सब्सिडी क्या हो गया, गवर्नमेंट ने छूट दी, चाहे वो टैक्सेस में छूट दी, चाहे लोन देने में छूट दी, चाहे कोई और किसी तरीके से गवर्नमेंट ने छूट दी और लोकल प्रोड्यूसर्स को, जिसकी वजह से गुड्स का प्राइस कम हुआ। गुड्स का प्राइस कम होगा तो लोकल प्रोडक्ट कम रेट पर बनेगा, और लोकल प्रोडक्ट जो कम रेट पर बनेगा तो जो कस्टमर होगा वो कम रेट वाला प्रोडक्ट परचेज करेगा और अपने आप ही इम्पोर्ट कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट डिवेल्यूएशन। यहाँ अगर मैं बात करूँ डिवेल्यूएशन किस चीज़ की वैल्यू को कम कर रहे हैं, करेंसी की वैल्यू। करेंसी की वैल्यू कम करना मतलब मान लो मैं अपने इंडिया की बात करूँ, रुपए की वैल्यू गिर जाना,
रुपए की वैल्यू कब गिरती है? जब हमें $1 परचेज करने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। मान लो 70 रुपए से 75 रुपए का $1 हो जाए, 70 to 75 इंक्रीज हो जाए, बढ़कर पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। डिवेल्यूएशन से क्या होगा, इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। एक्सपोर्ट सस्ते मतलब एक्सपोर्ट करने से हमें फ़ायदा मिलेगा और इंपोर्ट करने से जो चीज़ हम पहले 100 रुपए में परचेज कर रहे थे वो अब हमें ज़्यादा में परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हम 70 में परचेज कर रहे थे वो 75 में परचेज करेगी। तो कहीं ना कहीं जब बर्डन बढ़ेगा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का तो वो वहाँ पर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट होगा। तो कई बार गवर्नमेंट्स ऐसा, वैसे ये इलीगल होता है तब भी गवर्नमेंट्स ये अडॉप्ट कर लेती हैं। 3-4 साल पहले चाइना ने डिवेल्युएशन किया था करेंसी का, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इंटरनेशनल मार्केट जो थी वो फॉल डाउन हो गई थी, शेयर मार्केट। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक्सचेंज कंट्रोल के अंदर मोनेटरी रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अब हमें कोई भी प्रोडक्ट बाहर से परचेज़ करना है तो हमें फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन जो भी करेंसी यूज़ हो रही है वही हमें यूज़ करनी पड़ेगी। अब अपने पैसे को एक्सचेंज कराने के लिए हमें गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी कि हमारा, पहले तो पूछेगी कि आपको एक्सचेंज क्यों चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज, जैसे आप किसी बैंक के पास जाते हो कि मुझे इतने करेंसी को अपना कन्वर्ट कराना है, तो वो आपसे कंडीशन पूछेगी क्यों चाहिए। फिर वो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देगी कि आप जो करेंसी एक्सचेंज करके दी है उससे लीगली आप इतना इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या है कि आपको एक्सचेंज करके ही नहीं देगी जितना अमाउंट का आपने गुड्स परचेज किया है। नेक्स्ट आता है लीगल प्रोहिबिटेशन। लीगल प्रोहिबिटेशन में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने लीगल लॉज एंड रेगुलेशन बना के एक पर्टिकुलर कंट्री की गुड्स को इंपोर्ट कराने से रोक सकती है। एक एग्जांपल है, ब्रिटेन का एग्जांपल लेते हैं। ब्रिटेन की जो लेडीज़ थी उन्हें इंडिया के बने हुए कॉटन क्लोथ्स एंड प्रिंटेड क्लोथ्स बहुत पसंद आने लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो उनके वहाँ के नायलॉन के क्लोथ्स और जो भी उनका फैब्रिक था उसकी डिमांड कम होने लगी। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश एक्ट के अंदर एक लॉ लेकर आए जिसके तहत उन्होंने इंडिया से आने वाले कॉटन क्लोथ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, ट्रेड को रोका लीगल मीन्स यूज़ करके। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिमिनेटिंग फ्रेट रेट। डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब क्या हो गया, अलग अलग। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको फ्रेट रेट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वहीं आपको एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेच रहे हो, तो आपको फ्रेट रेट कम पे करना पड़ेगा। ऑब्वियस है कि जब फ्रेट बढ़ेगा तो इंपोर्ट अपने आप कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होगा। नेक्स्ट है लाइसेंस सिस्टम। लाइसेंसिंग सिस्टम और इंडिया के लाइसेंसिंग सिस्टम के बारे में तो आप बहुत अच्छे से रूबरू होंगे कि लाइसेंसिंग सिस्टम कि आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के लिए आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस कि अगर आपके पास लाइसेंस होगा तभी आप उस प्रोडक्ट को बाहर से मंगा सकते हो। और वो लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंसिंग प्रोसीजर इतना कम्बर्सम होगा, इतना मुश्किल होगा कि आप खुद ही कहोगे कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है लाइसेंस बनवाना, मुझे इंपोर्ट करना ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली लाइसेंसिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करके भी गवर्नमेंट बैन लगा देती है। उसके बाद होता है बायलेटरल एग्रीमेंट। बायलेटरल एग्रीमेंट का मतलब होता है किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट होना। दो कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो गया तो तीसरी कंट्री को हम बीच में अंदर आने ही नहीं देंगे, हमने इम्पोर्ट करना है एक्सपोर्ट करना है तो उन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में होगा। नेक्स्ट टेक्निकल रेगुलेशन। यहाँ पर गवर्नमेंट टेक्निकल रेगुलेशन भी बना देती है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। अगर कोई ऐसा टेक्निकल प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वहाँ गवर्नमेंट अपने आप ही ऐसी टेक्निकल प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से रोक देगी। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर। जनरली ये होता है कि जब इंपोर्ट करना होता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ जो भी होता है हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स, तो आपको एक डिपार्टमेंट, एक एडमिन ऑफिसर से दूसरे एडमिन ऑफिसर तक, दूसरे से तीसरे एडमिन ऑफिसर तक चक्कर काटने पड़ते हैं, और वो चक्कर काटते काटते आप ऑफिस ऑफिस खेलना शुरू कर देते हो। तो इतना डिफ़िकल्ट बना देती है गवर्नमेंट इस प्रोसेस को कि बंदा अपने आप पीछे हट जाता है इम्पोर्ट करने से। नेक्स्ट, प्रेफरेंस टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट क्या है, जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने परचेज करने हैं, गवर्नमेंट ने जितना भी मटेरियल चाहिए वो क्या करेगी, इंटरनेशनल
प्रोड्यूसर के पास जाने की बजाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से परचेज करेगी। जो गवर्नमेंट की डिमांड है उसे कौन फुलफिल करेगा? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जिससे कि इम्पोर्ट कम होंगे और एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट, डेवलपिंग नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टूवर्ड फॉरन प्रोडक्ट्स। यहाँ पर क्या है, सोसाइटी का इस तरीके से रवैया हो जाता है कि वो फॉरेन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक स्लोगन है, बी इंडियन बाय इंडियन, इंडियन बनो स्वदेशी बनो और स्वदेशी अपनाओ। जैसे कि पतंजलि ने एक कैंपेन चलाया कि वो क्या कहते हैं, स्वदेशी अपनाओ विदेशियों का बहिष्कार करो। तो ये कुछ ना कुछ मेजर्स इनडायरेक्टली, जिससे कि हमारा इम्पोर्ट का प्राइस नहीं बढ़ रहा, लेकिन इनडायरेक्ट मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बाहर से होने वाले ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा नॉन टैरिफ बैरियर। जब नॉन टैरिफ बैरियर की बात करते हैं तो एक बैरियर और था, मैंने बताया था ना जो कल क्लास में हमने डिवाइड किया था, एक टैरिफ बैरियर, एक नॉन टैरिफ बैरियर और थर्ड वन था नेचुरल बैरियर। अब नेचुरल बैरियर की बात करें तो नेचुरल बैरियर के किस तरीके के बैरियर हो सकते हैं, कैसे बैरियर हो सकते हैं, कहीं पर थ्रेट टेररिज्म बहुत ज़्यादा है तो आप वहाँ पर खुद ही ट्रेड नहीं करोगे, कहीं पर फ्लड आया हुआ है, कहीं अर्थक्वेक है जिसकी वजह से उस कंट्री की अच्छी सिचुएशन नहीं है, कहीं पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, कहीं पर सुनामी आ रहा है, तो ये कुछ नेचुरल बैरियर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, हमारा ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे। कल और आज का टॉपिक मिलाकर आपका पूरा ये चैप्टर बैरियर्स टू इंटरनेशनल बिजनेस कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हम ये क्लास आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।